दोस्त एक ग्रुप डी की तैयारी करने वाला लड़का अपने दोस्त के पास आता है और वह बहुत उदास और बहुत टेंशन में अपने दोस्त के पास बैठता है। तो उसके दोस्त कहता है कि मेरे भाई क्या हुआ, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो दोस्त पता है उस स्टूडेंट का दर्द को सुनकर ये लड़का भी रो पड़ा। उसने बोला कि दोस्त 3 साल पहले आया था रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, मैंने पूरी जी जान लगाकर तैयारी किया लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है कि कब लेगा, लेकिन अब लग रहा है कि वो तैयारी बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। आज घर से पापा फोन करके बोल रहे थे कि बेटा 3 साल हो गया है, तुम्हारा जॉब कब लगेगा, अब तुम ही बताओ यार। अब मैं अपने पापा को क्या जवाब दूँ, वो तो यही ना समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करता हूँ तभी मेरे जॉब नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं और कहीं काम करने के लिए चला जाऊं, क्योंकि यार आज मेरे पिताजी बोल दिए कि बेटा जॉब कब ले रहा है। तो जरूर ये बात बोलने के पीछे पिताजी का बहुत बड़ा दर्द छुपा होगा जो मेरे साथ बयां नहीं कर पा रहे हैं। उनसे अब मजदूरी नहीं होता होगा यार, और यार हम भी कब तक पिताजी से मजदूरी करवाएंगे, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है यार, अब मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। तो दोस्त वो लड़का बोला कि तुम ग्रुप डी के पीछे क्यों पड़े हो, एसएससी या बैंकिंग क्यों नहीं कर लेते हो। तो दोस्त वो लड़का बोला कि अगर मेरा इंग्लिश और मैथ इतना मजबूत होता तो मैं ग्रुप डी की ही तैयारी क्यों करता, बताओ। यार हर स्टूडेंट्स का अपना अपना एक लेवल होता है, अभी तो हर कैटेगरी का फॉर्म निकलता है ना। और यार जब फॉर्म निकला था तो मुझे लगा था कि 1 साल की ही तो बात है, तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद एक सेटलमेंट जॉब मिल जाएगा मेरे पास। लेकिन यार वो 1 साल कैसे 3 साल में बदल गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अरे अब तो ऐसा लगता है कि तैयारी ही छोड़ दें। तो दोस्त इस स्टोरी के माध्यम से मैं आयोग से यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको एग्ज़ाम लेनी ही नहीं होती है तो ये फॉर्म क्यों भरवाते हो। अरे आपके लिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका इस एग्ज़ाम में कई सारे सपने छुपे होते हैं, उन सपनों को ऐसे चूर मत किया कीजिए। क्या सिर्फ आपको रेलवे वाले ही कमज़ोर दिखते हैं जिनके सपने को 3 सालों से नस्ते नाबूद किया जा रहा है। अरे एक बूढ़े माँ बाप के लिए 3 साल का इंतज़ार करना कितना पेनफुल होता है ये आप एसी में बैठकर नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट के साथ इतना नाइंसाफी मत कीजिए, जितना जल्द हो सके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए।